बांदा अवैध रूप से हो रहे जिम का निर्माण रुकवाने हेतु जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा आप से है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय बांदा के छात्र छात्राओं ने आज दिन मंगलवार को विद्यालय परिसर में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर जिलाधिकारी को दिया प्रार्थना पत्र। आपको बता दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के मैदान में नगर पालिका द्वारा जिम का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसका ठेका इमरान कादिर नाम के व्यक्ति ने लिया है। वहीं छात्रों का कहना है, बिना महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रशासक के अनुमति के अवैध रूप से हो रहे निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, अन्यथा हम सभी छात्र छात्राएं आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बांदा से जिला संवाददाता प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार वर्मा है, मैं जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्टूडेंट यूनियन बांदा से। क्या मामला है? आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज महाविद्यालय के मैदान में जो नगर पालिका द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और जिम का निर्माण करवाया जा रहा है, उस मामले को लेकर आज बांदा जिलाधिकारी महोदय के पास आए हुए हैं कि ताकि वहाँ पे जल्द से जल्द अवैध निर्माण को रुकवाया जाए और तत्काल जो जितने भी निर्माण हो चुका है उसको तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करके हमारा मैदान पुनः उसी तरह किया जाए। कौन है वो लोग? वो लोग नगर पालिका के लोग हैं, इमरान कादिर नाम से कोई ठेकेदार है जिनको ठेका दिया गया है, वो कानपुर में अपना पैर जमाए हुए हैं और यहाँ पे अपने जो है भतीजे भाई भतीजों को बेचकर यहाँ पे निर्माण करवा रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अवैध निर्माण रुकवाया जाए और शीघ्र प्रभाव से जो है हमारा मैदान जो रूप से पुनः वो किया जाए। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती क्या होगा? यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और आचार संहिता का उल्लंघन जैसे नगर पालिका कर रही है उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार वर्मा है, मैं जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्टूडेंट यूनियन बांदा से। क्या मामला है? आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज महाविद्यालय के मैदान में जो नगर पालिका द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और जिम का निर्माण करवाया जा रहा है, उस मामले को लेकर आज बांदा जिलाधिकारी महोदय के पास आए हुए हैं कि ताकि वहाँ पे जल्द से जल्द अवैध निर्माण को रुकवाया जाए और तत्काल जो जितने भी निर्माण हो चुका है उसको तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करके हमारा मैदान पुनः उसी तरह किया जाए। कौन है वो लोग? वो लोग नगर पालिका के लोग हैं, इमरान कादिर नाम से कोई ठेकेदार है जिनको ठेका दिया गया है, वो कानपुर में अपना पैर जमाए हुए हैं और यहाँ पे अपने जो है भतीजे भाई भतीजों को बेचकर यहाँ पे निर्माण करवा रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अवैध निर्माण रुकवाया जाए और शीघ्र प्रभाव से जो है हमारा मैदान जो रूप से पुनः वो किया जाए। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती क्या होगा? यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और आचार संहिता का उल्लंघन जैसे नगर पालिका कर रही है उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी होनी चाहिए।